नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ के साथ साथ माँ दुर्गा से संबंधित कुछ चीजें घर में लाने से आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। वास्तु शास्त्र के अनुसार दुर्गा अष्टमी से पहले या दुर्गा अष्टमी के दिन आर्थिक लाभ के लिए आपको अपने घर में 5 चीज जरूर लानी चाहिए। नंबर 1, स्वास्तिक का चिन्ह। दुर्गा अष्टमी के दिन अपने घर के मुख्य द्वार के लिए स्वास्तिक का चिन्ह लगाकर लगाएं। स्वास्तिक के शुभ चिन्ह की मदद से आपकी आय के रास्ते में जो मुश्किलें आ रही हैं वे समाप्त हो जाएंगी। नंबर 2, चांदी का सामान लेकर आएं। दुर्गा अष्टमी के दिन चांदी का कोई भी सामान लाकर माँ दुर्गा को अर्पित करें। कहते हैं नवरात्रि में चांदी की चीज की खरीदारी करना उत्तम माना जाता है। चांदी की खरीदारी करने से आपको आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। नंबर 3, घर में लाए मोर पंख। दुर्गा अष्टमी के दिन आप मोर पंख लेकर आए और उसे अपने घर में स्थापित करें। मोर पंख घर में रखने से आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और साथ ही आपको धन लाभ भी होगा। नंबर 4, मिट्टी से बना घर स्थापित करें। दुर्गा अष्टमी से पहले अपने घर में मिट्टी से बना मकान लाकर रखें। ऐसा करने से संपत्ति से संबंधित मामलों में विवाद समाप्त होते हैं, साथ ही आपकी नई प्रॉपर्टी खरीदने के भी योग बनते हैं। नंबर 5, चंदन घर में जरूर रखें। ज्योतिष शास्त्र में चंदन को बहुत ही शुभ माना गया है। कहते हैं जिस घर में चंदन होता है वहाँ का वातावरण काफी शुद्ध और सकारात्मक होता है। सकारात्मकता बनी रहने से आपकी आर्थिक उन्नति की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। यदि आपके घर में भी चंदन नहीं है तो दुर्गा अष्टमी से पहले चंदन जरूर लाएं।